और इन दिनों सोशल मीडिया पर बच्चे उठाने का गिरोह सक्रिय होने की अफवाह जोर पकड़ रही है। अंबाला में भी इस अफवाह को लेकर लोग सकते में हैं। अंबाला के लोगों ने एक युवक को बच्चा उठाने के शक में जमकर पीटा। लोगों को लग रहा था कि ये जो युवक है ये बच्चा चोर है। इसी शक के चलते लोगों ने इसकी जमकर पिटाई की। वहीं पुलिस ने इस युवक को हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया पर बच्चों को किडनैपिंग किए जाने को लेकर अफवाहें चल रही हैं, जिसको लेकर अभिभावक चिंता में हैं। हालात ये है कि लोग हर किसी को शक की नजर से देखते हैं, किडनैपर समझकर पीटने लगते हैं। अंबाला में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां मोतीनगर इलाके में एक युवक को बच्चा चोर समझकर जमकर पीटा। लोगों को लगा कि ये बच्चा चोरी करने की कोशिश कर रहा था और युवक की जमकर धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि युवक गूंगा और विकलांग होने की एक्टिंग करता हुआ घर में आया, जिसने खाना मांगने का इशारा किया। लोगों ने उसे जाने को कहा, लेकिन वो दोबारा आया और एक बच्चे को बाजू से पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने उसे जमकर पीटा। बैठा देखा कि हाँ कोई आया, इशारा करके खाना मांगने लगा। फिर मैंने इशारा कर दिया, मैंने कहा जाओ वापस, आया नहीं कुछ भी, चला गया। फिर दोबारा से बच्चे देख के फिर वो वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया सीढ़ियों के पास आके। फिर ये दौड़े दौड़े गए कि मैंने पीछे पीछे मैं भी दौड़ी गई कि कुछ हो गया बाहर। तो देखा कि बच्चे का हाथ पकड़ के फिर धक्का मार के हम दोनों को दौड़ गया। फिर आगे गली में बढ़ गया। फिर इसके पापा गए पीछे पीछे गली में से, अंधेरा था गली में खूब, तो वहां जाके देखा इन्होंने मारा, मार मार के बाहर निकाल के लेके आए। रात यहाँ बच्चे को पकड़ने आया, बुला रहा था बच्चे को, फिर उसके माँ बाप आगे दौड़ गए, दौड़े जाया सड़क आगे लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक का नाम मंत्री बताया जा रहा है, जो बिहार का रहने वाला है और युवक काम की तलाश में अंबाला आया था। वो खाना मांगने के लिए लोगों के पास पहुंचा और लोग उसे बच्चा उठाने वाला समझने लगे। इसी शक के आधार पर उसे जमकर पीटा गया। ये कल शाम को करीब एक सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर जो उन्होंने सूचना दी कि बच्चा जो खेल रहा था, कोई एक यंग लड़का है, उसको वो जो है ना बका फुसला करके कहीं ले जाने का प्रयास किया उसने, और इस आधार पर उन्होंने जो कंप्लेंट दी थी हमने उसमें जो है केस दर्ज कर दिया था। इसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी उससे पूछताछ भी जारी है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया, पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद जो सच्चाई सामने आएगी उस आधार पर कार्रवाई करेगी। दरअसल पंजाब में पिछले दिनों दो बच्चों के अपहरण के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा में भी लोग अब हर एक को शक की निगाह से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैली गलतफहमी लोगों पर हावी हो रही है। अंबाला से कृष्ण बाली, टोटल न्यूज़।